एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी पास्ता की रेसिपी। तो ये हमने पहले सबसे पहले पानी को बॉईल कर लिया है और उसमें हमने नमक डाल के, अब पानी हमारा बॉईल हो चुका है तो अब इसमें हम ये पास्ता डाल देंगे और एक चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। इसमें पास्ता को हम 80% तक कुक होने देंगे फ्रेंड्स। तो तब तक चलिए हम गार्लिक को और थोड़े से प्याज को चॉप कर लेते हैं। आज हम बनाएंगे गार्लिक चीज़ पास्ता रेसिपी। तो चॉपर की सहायता से हम इसको बारीक चॉप कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा गार्लिक और ऑनियन बारीक चॉप हो चुका है फ्रेंड्स। तो पास्ता में हमारा बॉईल हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब इसको हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेते हैं। पास्ता को हमने छान लिया है फ्रेंड्स। चलिए अब हम बनाते हैं। तो अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल देंगे फ्रेंड्स, 2 या 1.5 चम्मच। आधा चम्मच घी डाल देंगे और अब हम इसमें, तेल गर्म हो जाए तो ये चॉप किए हुए लहसुन और प्याज डाल देंगे। इसको हम मीडियम आंच पे ऐसे ही अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए लहसुन और प्याज बहुत ही अच्छे से भून चुका है फ्रेंड्स। ये बहुत ही देखिए खिला खिला हो गया है। ये हमारे कम आंच पे भूनने का नतीजा है और ये इस तरीके से भूनने से हमारे पास्ता में क्रंची बना बहुत ही बना रहता है और उससे टेस्ट बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे, 2 हरी मिर्च को काट के डाल देंगे और साथ साथ हरा धनिया डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें फ्रेंड्स। ये पास्ता हमारा बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाता है। और अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे फ्रेंड्स, उससे हमारे पास्ते का स्वाद दुगना हो जाएगा। और अब हम इसमें चीज़ के स्लाइस तोड़ के डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, इससे हमारे पास्ते का टेस्ट दुगना हो जाएगा और थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। तो इसमें हमने 2 चीज़ के स्लाइस तोड़ के डाल दिए हैं फ्रेंड्स। अब इसको हम चला देंगे और आँच को हम धीमा ही रखेंगे। हमारा चीज़ धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा इसमें। और स्पाइसी के लिए आप थोड़ा सा चिली फ्लेक्स इसमें डाल सकते हैं और 2-3 पिंच ब्लैक पेपर। ये देखिए चीज़ हमारा धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए हमारा ये चीज़ गार्लिक पास्ता बनके रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ पास्ता रेडी हो चुका है, चीज़ गार्लिक पास्ता। इसको आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं बना के फ्रेंड्स। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।